चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। वॉइस ऑडिबल है सबको? यार आप लोग जल्दी ज्वाइन नहीं होते हो, देखो बहुत गलत बात है ये। वॉइस ऑडिबल है सबको? चलो, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसमें मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट क्या दिया था? मैंने आपको उसमें सबसे बड़ा हिंट ये दिया था कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के बारे में ही बात करी जाएगी। दो एलिमेंट से ज्यादा की बात नहीं करी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स का ही डिस्कशन होगा। और उन दो एलिमेंट्स को मिला के जितने अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं वो सारे कंपाउंड्स को दिया जाएगा। ऐसा बताया था मैंने आपको, है कि नहीं? बोलिए। ऐसा बताया गया था? बताया था ये? चलो समझ में आया था? जो बताया था वो समझ में आया था क्या कि नहीं समझ में आया था? ऊपर से गया था? चलो अब आगे बढ़ेंगे। आज मैं सिखाऊंगा। चलो भाई, तो मैंने कल लास्ट में स्टेटमेंट लिख कर दिया था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो एलिमेंट्स दिए गए हों एंड उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग टू और मोर कंपाउंड्स की बात हो रही हो, देन ऑलवेज यूज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उस केस में हमें हमेशा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को ही यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट अच्छा, तो चलो मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन देता हूं। क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे टिन टिन इज अ मेटल, टिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स SNO एंड SNO2। दिस इलस्ट्रेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन। दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन। सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एंड फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस।
चलो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 एन ऑक्सीजन, क्वेश्चन में सिर्फ दो एलिमेंट्स की बात हो रही है, कौन से दो एलिमेंट्स, 10 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और उन दो एलिमेंट्स को मिला करके, मतलब 10 और ऑक्सीजन को मिला करके उनके दो कंपाउंड दिए गए, दो भी हो सकते दो से ज्यादा भी हो सकते, 10 और ऑक्सीजन को मिला करके उनके दो कंपाउंड दिए गए हैं फिलहाल यहाँ पे, दो भी हो सकते दो से ज्यादा भी हो सकते, गेटिंग ना, उसका कोई लोड नहीं है, तो 10 और ऑक्सीजन मिला के दो कंपाउंड दिए गए, एक दिया गया SNO, दूसरा दिया गया SNO2, सो दिस विल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ, बताओ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बताइए क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या, बोलो नो, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूं, आपको पढ़ना है प्रीवियस पुराने लेक्चर्स में जाइए उसमें देखिए, जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा क्यों पढ़ाऊं, नेक्स्ट लॉ ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लूंगा, जो होमवर्क दिया उसका डिस्कशन हो जाएगा, मगर पढ़ाऊंगा नहीं अभी, वो पढ़ा दिया, नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज थर्ड, नहीं फोर्थ हेडिंग डालो, लॉ ऑफ फोर्थ हेडिंग डालो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, पहले इसका डेफिनेशन लिखो फिर इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, इसका डेफिनेशन लिखो ध्यान से लिखना, हाँ क्या कह रहा है कि, ये कह रहा है कि व्हेन, ध्यान से ये कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द When two different elements combine with the fixed mass, when two different elements combine with the fixed mass of third element, मतलब यहीं से पता चल रहा है कि law of reciprocal proportion में हमें कितने elements दिए जाएंगे, बताओ जरा, बस अभी इतना ही लिखा है, when two different elements combine with a fixed mass of third element, मतलब law of reciprocal proportion में सबसे बड़ा hint जो मिला है वो क्या है, वो तीन element होंगे, तीन element, law of reciprocal proportion में सबसे बड़ा hint क्या मिला है, वो होगा तीन element, तीन element है तो law of multiple proportion सोचने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है तुमको, multiple proportions, तीन element को तुमको दिख रहा है तो वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो सकता है, भी आगे कंडीशन है, आगे कंडीशन है, समझे क्या, तो क्या कह रहे हैं, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट कॉमा द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी the same or simple multiple if both directly combined with
ईच अदर, पहले ये लिखो। ये लिखो पहले, विल बी, सो के बाद क्या लिखा है, विल बी। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल इफ दे बोथ डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। हुआ हुआ क्या? अब देखो, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है, सबसे पहली बात इसमें यह कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में हमें तीन एलिमेंट दिए गए होंगे। सबसे बड़ा हिंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में सबसे बड़ा हिंट क्या है, तीन एलिमेंट दिए गए होंगे। क्या कह रहा है, अगर दो एलिमेंट दिए गए हैं, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब तीन एलिमेंट है, द टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल इफ दे बोथ डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि ए जो है बी और सी के साथ कंबाइंड होगा, बी जो है ए और सी के साथ कंबाइंड होगा, सी जो है ए और बी के साथ कंबाइंड होगा। और कितने कंपाउंड निकल के आएंगे, कंपाउंड निकल के आएंगे, ए सी का कंपाउंड निकल के आएगा, बी सी का कंपाउंड निकल के आएगा और ए बी का कंपाउंड निकल के आएगा। अभी ये लिखना नहीं, लिखना ये सब बस समझा रहा हूं, ये समझा रहा हूं। मल्टीपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तुमको तीन एलिमेंट्स दिए गए होंगे और उन तीन एलिमेंट्स के आपस में कंपाउंड होंगे। मतलब एलिमेंट ए बी सी, तो एक कंपाउंड ए का बी के साथ होना चाहिए, एक कंपाउंड ए का सी के साथ होना चाहिए, यस, एक कंपाउंड बी का सी के साथ होना चाहिए, यस और नॉट, सी का ए के साथ होना चाहिए, सी का बी के साथ होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको कहा गया है, अगर हमको कहा गया है कि अमोनिया H2S, अमोनिया H2O एंड NO2, दिस इलस्ट्रेट्स, क्या दिस इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बस ऐसे दिया गया, अभी बस समझा रहा हूं तुमको, दिया गया अमोनिया H2O NO2। तो ये पूछा जा रहा है क्या दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अमोनिया H2O NO2, क्या दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। कैसे चेक करोगे, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा, सबसे पहले देखोगे क्या आपको तीन एलिमेंट दिए गए हैं, कितने एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कितने एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस। उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंपाउंड बना क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपाउंड बना क्या, हाँ बना, क्या बना, अमोनिया बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड बना क्या, हाँ बना, H2O बना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड बना क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड बना क्या, हाँ बना, NO2 बना। तो अगर ऐसा है तो हाँ भाई, एकदम सच बात है कि दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी लिखना नहीं, बस समझा रहा हूं, बस समझा रहा हूं, दिस विल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है कि नहीं, राइट, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तुमको, अगर मैं तुमको दूसरा एग्जाम्पल दूं, सपोज करो मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने लिखा अमोनिया, फिर मैंने लिखा सपोज करो मैंने लिखा NO2 और फिर मैंने लिखा N2O5, मैंने लिखा अमोनिया, मैंने लिखा NO2 और मैंने लिखा N2O5। तो पहले चेक करोगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो
यहां पे कितने एलिमेंट्स आ गए, यहां पे एलिमेंट्स आ गए, अभी लिखना नहीं, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कैसे करना। यहां पे एलिमेंट्स आ गए नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंपाउंड बन गया अमोनिया, यस। उसके बाद क्या दिखाया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड बना है NO2 एंड N2O5। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड दिया है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड दिया है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड दिया है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड नहीं दिया है। तो क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट करता है क्या, क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट करता है क्या, नहीं करता है। बस ऐसे ही आइडेंटिफाई करना, समझे क्या। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या। सो ये वाला जो एग्जांपल दिया है, दिस एग्जांपल डज नॉट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, समझे क्या। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, अभी ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं भैया, कि इसको भी सैटिस्फाई करा देंगे, यार इतनी मेहनत से लिखा है एटलीस्ट सैटिस्फाई तो करा ही दे, ये तो क्या फायदा है इसको सब लिखने का। समझ में आ गया ना कैसे चेक करना है, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, यस। उसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि इफ सपोज आई से कि जस्ट टेल मी दैट N2O H2S and SO3. Does this illustrate, does it illustrate law of reciprocal proportion? ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट करता है क्या, देखो कितने एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, यार चार एलिमेंट आ गए। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए तीन एलिमेंट ही चाहिए, चार नहीं चाहिए। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट नहीं करता, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया क्या, डाउट है किसी को, किसी को डाउट है क्या, नो no? तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब लिखोगे, अब लिखोगे, इसको इसको एक्सप्लेन करता हूं, अब लिखोगे, देयरफॉर फॉर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन Required condition is that there should be three elements only, there should be three elements only, and each of two elements must combine to form one compound. Each of two elements, थोड़ा आगे से लिखता हूं, there should be three elements only, and next क्या कह रहा है, next कह रहा है कि each of two elements must combine to form one compound. ये लिखो, फिर सर्कल वाला डायग्राम से दिखाता हूं। Required condition for reciprocal condition, for reciprocal proportion, the required condition is, या necessary condition is, for the reciprocal proportion, the required
कंडीशन इज दैट देयर शुड बी थ्री एलिमेंट्स ओनली एंड ईच ऑफ टू एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. हुआ, हो गया. हाँ मैं भी समझाता हूँ, अभी फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. सेकंड वाला नहीं समझा, समझा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ. लिख लो पहले, ये लिख के हुआ क्या. देखो जल्दी, देयर शुड बी थ्री एलिमेंट्स ओनली एंड ईच ऑफ टू एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. मतलब जैसे अगर ए बी सी एलिमेंट है तो कंपाउंड ए बी का होना चाहिए, बी सी का होना चाहिए और ए सी का होना चाहिए. ए का कंपाउंड बी के साथ होना चाहिए, ए का कंपाउंड सी के साथ होना चाहिए, बी का कंपाउंड ए के साथ होना चाहिए, बी का कंपाउंड सी के साथ होना चाहिए, सी का कंपाउंड ए के साथ होना चाहिए, सी का कंपाउंड बी के साथ होना चाहिए. ये ईच ऑफ टू एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिया, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंपाउंड होना चाहिए अमोनिया. तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपाउंड है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का भी कंपाउंड है. फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होना चाहिए वाटर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया. फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होना चाहिए NO2. तो तीन एलिमेंट थे और ईच ऑफ टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी कंबाइंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कंबाइंड है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी कंबाइंड है. समझे अभी पार्थ? पार्थ समझे क्या अभी, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ईच ऑफ टू एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. मतलब अगर तीन एलिमेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होने चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होने चाहिए एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होने चाहिए. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना पार्थ? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो पेज चेंज कर दूं, अभी पेज चेंज कर दूं. तो इसमें क्या कह रहा है, देयरफॉर कैसे बताओगे, ये बताएंगे हम लोग कि देयरफॉर इफ वी हैव थ्री एलिमेंट्स, कौन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज वी हैव नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होने चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होने चाहिए और कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए अमोनिया. यस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंबाइन होने चाहिए, कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए NO2 जैसे सपोज कर लो, और उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होना चाहिए और कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए H2O. कंपाउंड बनना चाहिए H2O. Yes. तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि थ्री एलिमेंट्स, यहां पे दिखा थ्री एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ईच ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड. Yes, that is nitrogen hydrogen combined. That is nitrogen and hydrogen combined. क्या form किया है, ammonia. Nitrogen and oxygen combined है, क्या form किया है, NO2. Yes, and hydrogen and oxygen combined है, क्या form किया है, H2O. तो इसका मतलब क्या है, therefore ये क्या है, this illustrates डायग्राम के नीचे
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है? ये इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सिंपल बात समझ में आई? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इलस्ट्रेट कर रहा है। क्लियर हुआ? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी। फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एवोगाड्रोस लॉ, फिर हम लोग आ जाएंगे स्टोकियोमेट्री में। अर्पित आपने गलत लिखा है, अमोनिया NO2H2O2, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं करेगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करेगा। आपने नाम गलत लिखा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपाउंड अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड NO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड H2O2, तो वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा ना। आपने नाम गलत लिखा है अर्पित, आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख दिया, इट शुड बी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिख के हो जाए तो बताओ मुझे। हाँ अभी रेशियो आप निकालूंगा, अभी रेशियो आप निकालूंगा, रेशियो आप निकालूंगा, परेशान ना हो। अभी सब समझ में आएगा, सिंपल मल्टीपल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लिखो जल्दी, लिख के हो जाए तो बताओ। हाउ डू वी डिसाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड? साक्षी पुराने लेक्चर्स पढ़िए, दिस आई ऑलरेडी टॉट। हो गया? हुआ गया? थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। वोलाटाइल क्लोराइड मतलब वो क्लोराइड जो वेपर के फॉर्म में बन जाए, वोलाटाइल मतलब जो वेपर के फॉर्म में आ जाए उसको वोलाटाइल कहते हैं, जिसके वेपर्स आ जाए दैट इज वोलाटाइल। ठीक है, हो गया? चलो अब रेशियो डिटरमाइन करते हैं। अब जो डेफिनेशन कह रहा है, तो डेफिनेशन कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो इन विच दे डू सो will be the same or simple multiple if they both directly combine with each other. तो यही वाला example ले लेते, यही वाला example लेते। Based on definition,
बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये क्या कह रहा है, अमोनिया के पास क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन, यस। फिर H2O के पास क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन, देन NO2। NO2 के पास क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन। तो डेफिनेशन कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो आप पहले थर्ड एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जिसका मास आपको फिक्स रखना है। मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन ले लो, लेट अस टेक नाइट्रोजन एज एलिमेंट हैविंग फिक्स्ड मास। मुझे दिख रहा है ना नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन भी 1 मोल नाइट्रोजन साथ कंबाइन हो रहा है, तो फिक्स मास नाइट्रोजन ले ले, फिक्स मास नाइट्रोजन ले 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 ले, चलो फिक्स मास नाइट्रोजन ले लिया। अभी क्या कहता है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्या दिख रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल नाइट्रोजन इन अमोनिया, यस नॉट राइट। फिर फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 मोल नाइट्रोजन इन NO2, यही है ना। When two different elements, hydrogen, oxygen, combine with a fixed mass of third element, है कि नहीं, बोलो क्या ये कि नहीं, then मैंने भी एक ही लाइन पढ़ी उसको इलस्ट्रेट किया, एक लाइन पढ़ी मैंने, पहले कह दिया कि नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब क्या 14 ग्राम नाइट्रोजन ना, तो मास फिक्स कर दिया ना मैंने नाइट्रोजन का, 14 ग्राम नाइट्रोजन इधर भी लिया मैंने और 14 ग्राम नाइट्रोजन मैंने इधर भी लिया, मोल इज द इंडिकेशन ऑफ मास ओनली ना, कुछ अलग थोड़ी होता है, सही बराबर क्लियर क्लियर ना, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं, पक्का ठीक। फिर कहता है देन When two different elements combine with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do so, मतलब 3 mole of hydrogen combined with 1 mole of nitrogen, 2 mole of oxygen combined with 1 mole of nitrogen, then the ratio of mole of hydrogen combining with 1 mole of nitrogen to the mole of oxygen combining with 1 mole of nitrogen, लिखा है ना, the ratio in which they do so. The ratio in which they do so, when two different elements combine with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do so, मतलब क्या, ratio of mass of hydrogen combining with 1 mole of nitrogen to the mass of oxygen combining with 1 mole of nitrogen. This ratio
इज आइदर इक्वल टू द रेशियो इन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन देमसेल्व कंबाइंड और इट इज अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे देमसेल्व कंबाइंड. ये कह रहा है यस. तो आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ाऊं क्या? तो क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि therefore, ratio of mass of hydrogen combined with one mole nitrogen to mass of oxygen combined with one mole nitrogen कितना है? 2 मोल था ना. 2 मोल हाइड्रोजन अपॉन 2 मोल ऑक्सीजन. तो ये कितना हो गया? 2 मोल मतलब कितना? 2 इंटू 1 ग्राम अपॉन 3 मोल था ना हाइड्रोजन का. 3 मोल था हाइड्रोजन वॉज 3 मोल. हाइड्रोजन वॉज 3 मोल. 3 मोल ये कितना हो गया? 3 मोल. 3 मोल अपॉन कितना? 2 इंटू 16 ग्राम्स. तो कितना आ गया ये? ये कितना आया? मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद अमोनिया कंबाइंड विद नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद सेम मास ऑफ नाइट्रोजन इन NO2. समझा क्या? ये कितना हो गया? ये हो गया 3/32. तो क्या कह रहे? दिस रेशियो, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज आइदर इक्वल टू और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो in which hydrogen and oxygen combine in water. तो hydrogen oxygen water में कैसे combine करते हैं? H2O के पास क्या है? H2O के पास है 2 मोल hydrogen. That is what? 2 ग्राम. 2 मोल hydrogen मतलब 2 ग्राम. हाइड्रोजन कंबाइन विद कितना? 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना? 16 ग्राम. तो वाटर में दोनों किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम मतलब कितना? 1/8. 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम. किस रेशियो में कंबाइन होगा? 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम है कि नहीं? इट विल कंबाइन इन व्हाट रेशियो? इट विल कंबाइन इन द रेशियो 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम. यस और नॉट? तो ये किस रेशियो में आएगा? बस इलस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है. देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन In H2O to
मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O कितना हो गया? दिस इज 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, ये कितना हो गया? 2/16 और 4/32, 2/16 और 4/32, या 1/8 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1/8 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. समझे क्या? प्रीवियस स्लाइड देखो. यह काम करते हैं हम लोग, इसको N2O3 बना देते हैं, N2O3 ले लेते हैं, NO2 की जगह हम N2O3 कर देते हैं इसको. लेट अस टेक इट एज N2O3, दूसरा कर देते हैं N2O3. सही कर लो इसको, N2O3 हो गया तो ये कितना हो गया? ये सही कर लो, 2 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑक्सीजन. ये सही कर लो, 2 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, राइट. सही कर लो इसको, इसको सही कर लो पहले, यहां इसको सही करो, रुक जाओ, नेक्स्ट स्लाइड रुक जाओ, पहले इसको सही करो. इसको N2O3 ले लेते हैं हम लोग, इसको N2O3 ले लेते हैं. लेट अस टेक इट एज N2O3 इंस्टेड ऑफ NO2, लेट अस टेक इट एज N2O3. इसको N2O3 करो पहले, NO2 को N2O3 कर लो पहले. किया इसको N2O3, और यहां पे लेट अस टेक फिक्स मास ऑफ एलिमेंट, लेट अस टेक नाइट्रोजन एज एलिमेंट हैविंग फिक्स मास. कितना ले ले? 2 मोल नाइट्रोजन ले लो, 2 मोल नाइट्रोजन ले लो. फिक्स मास कितना ले लो? 2 मोल नाइट्रोजन ले लो. कितना ले लो? 2 मोल नाइट्रोजन, मतलब कितना? 28 ग्राम. सही करो पहले इसको, सही करो पहले इसको, पहले मैं जो बता रहा हूं पहले वो करो, कमेंट करना बंद करो, जो बता रहा हूं वो करो पहले. लिखा? किया करेक्शन? फिक्स मास कितना ले लो? 28 ग्राम ले लो फिक्स मास. टेक द फिक्स मास एज 28 ग्राम्स, टेक द फिक्स मास एज 28 ग्राम्स. 2 मोल ले लिया हमने फिक्स मास, यहां पे 1 मोल, यहां पे 2 मोल. तो फॉर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 3 मोल कंबाइन विद 2 मोल, 3 मोल कंबाइन विद 1 मोल. तो इसका मतलब 6 मोल हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन NH3. सही है ये? बिकॉज 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल नाइट्रोजन, तो 6 मोल हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन. सही है ये? सही है, क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ. उसके बाद सेकंड वाला N2O3 में क्या लिखोगे? पेज चेंज करो, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, बिकॉज N2O3 भी आएगा यहां पे. तो 6 मोल, 6 मोल हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन NH3, या 2 NH3 कर दो. फिर उसके बाद फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या दिख रहा है? 3 मोल ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन N2O3. यस नॉट? 3 मोल ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन N2O3. सही किया?
करेक्शन किया इस वाले स्लाइड में, इस वाले पोर्शन में करेक्शन किया क्या? हुआ करेक्शन? हो गया? यस और नॉट? तो इसका मतलब चेंज कर दूं अभी स्लाइड, चेंज कर दूं स्लाइड, ठीक चलो। इसका मतलब रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद टू मोल नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद टू मोल नाइट्रोजन कितना? हाइड्रोजन कंबाइंड किया 6 मोल, ऑक्सीजन कंबाइंड किया 3 मोल। यस, तो कितना मास? मास ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया, मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन N2O3 कितना हो गया? ये 6 मोल हाइड्रोजन कंबाइन कराया था ना, तो 6 मोल हाइड्रोजन कंबाइन कराया मतलब क्या? 6 × 1 अपन यहां पे 3 मोल ऑक्सीजन कंबाइन कराया, 3 × कितना? 16। यस, कितना आ गया ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 1:8 मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन N2O3 कितना आया? 1:8 आया कि नहीं आया? 1:8 आया कि नहीं आया? आया। तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज आइदर इक्वल टू और सिंपल मल्टीपल रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन वाटर। एक सेकेंड, इसमें भी सही करो, ये इस डायग्राम में सही करो, N2O3 करो इसको, इस डायग्राम में करेक्शन करो, N2O3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड करो N2O3, जस्ट मेक N2O3। जस्ट मेक N2O3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन N2O3 करो, इस डायग्राम में भी सही करो इसको, सही किया इस डायग्राम में, सही किया N2O3। क्लियर? हाँ, तो ये जो रेशियो आया है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 2 मोल नाइट्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 2 मोल नाइट्रोजन इज 1:8। दिस रेशियो इज आइदर इक्वल टू और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देमसेल्व्स कंबाइन इन वाटर। तो वाटर में क्या है? 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन। आगे बढ़े क्या? यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, 2/16 कितना हो गया? 1/8 हो गया कि नहीं हो गया? 1:8 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन NH3 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 मोल नाइट्रोजन इन N2O3 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन विद वन अनदर इन वॉटर। कितना आ गया? 1:8 इक्वल रेशियो, या फिर सिंपल मल्टीपल हो सकता है, जैसे 1:8 आया था, ये जैसे 1:8 आया था, मल्टीपल मतलब क्या? 2 × 1:8 या 3 × 1:8 या 4 × 1:8, ये क्या हो गया? सिंपल मल्टीपल्स हो गए, है कि नहीं? ये सिंपल मल्टीपल्स हो गए, समझे ना? या तो बराबर आए या फिर सिंपल मल्टीपल आए, ये मतलब होता है सिंपल मल्टीपल।
क्लियर हुआ वेदांत? देख लिया प्रीवियस स्लाइड? यस। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर क्योंकि ये दोनों रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? अमोनिया H2O N2O3 फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, दे फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। क्लियर? क्लियर हुआ? डाउट है कोई? नाउ पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज, लिख लो इसको, फिर अगली हेडिंग डालो, लॉ नंबर 5। हो गया प्रीवियस स्लाइड तन्वी? देखो प्रीवियस स्लाइड, लिख के हो जाए तो बता। हो गया? हुआ गया? डन। तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज एवोगाड्रोज लॉ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। अगली हेडिंग डालो, और आज कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन वाले से। पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज एवोगाड्रोज लॉ। This will continue tomorrow. ये हम लोग कल continue करेंगे, ठीक है? चलो we'll stop here. Thank you. Bye. Take care.
हाँ